Now let me talk about the cyclic coordinator. Now before discussing the concept of cyclic coordinator, let me talk about a word that is cone cyclic point. Now let me talk about this word cone cyclic point. It means suppose अगर हमारे पास एक line segment है AB, हमने एक line segment लिया AB और इसकी सेम साइड पर चाहे तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हमने दो पॉइंट ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने C ले लिया और यहाँ पे हमने D ले लिया. Now let me talk about the angle subtended by AB at point C. तो AB C पे क्या एंगल सबटेंड करता है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम AB के जो एंड पॉइंट है उसको C से जोड़ देंगे ऐसे करके. तो हमने जोड़ दिया तो हमें जो एंगल मिला ये है एंगल ए बी सबटेंडेड बाय, ये है ए बी के द्वारा सी पॉइंट से सबटेंडेड एंगल. वैसे ही अगर हम पॉइंट डी पर देखना चाहें तो हम ए और बी से डी को जोड़ देंगे. दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट डी. अगर हमें ये दिया जाए कि एंगल सी और एंगल डी आपस में इक्वल है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, कहने का मतलब है कि जो कॉर्ड या लाइन सेगमेंट ए बी है उसकी सेम साइड पर या हम कहें कि सेम सेगमेंट में हमने दो एंगल लिए सी और डी, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम कहेंगे ये चारों पॉइंट ए बी सी डी एक सर्कल पे लाई करते हैं. मीन हम एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो इन चारों पॉइंट से पास होते हुए जाता है. तो ऐसे चारों पॉइंट हमारे कहलाएंगे कौन साइक्लिक पॉइंट. तो सिंपल शब्दों में हम कौन साइक्लिक पॉइंट को ये समझ सकते हैं कि अगर कोई चार पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो हम उन्हें कौन साइक्लिक पॉइंट कहते हैं. अब हम बात करते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में दो नाम आ रहे हैं, साइक्लिक में साइक्लिक में गोल जो होता है यानी कि सर्कल की बात हो रही है और कोऑर्डिनेटर तो हम जानते हैं फोर साइड पॉलीगन. अब मान लीजिए जैसे एक सर्कल है और हमने इसमें चार कौन साइक्लिक पॉइंट लिए, मतलब ऐसे पॉइंट लिए जो सर्कल पे लाई करते हैं. मान लीजिए यहाँ पर हमने ए ले लिया, यहाँ पे हमने डी ले लिया, यहाँ पे हमने सी ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया डी. तो ये चारों पॉइंट आपके सर्कल पे लाई करते हैं इसलिए कौन साइक्लिक पॉइंट है. अगर इन पॉइंट को ऐसे जोड़ दें ए टू डी, बी टू डी, सी और ये, जब हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ रहे हैं तो अगर इन चारों पॉइंट को ऐसे जोड़ दें तो आप देख रहे हैं ए बी डी सी को जो हमने जोड़ा तो हमें क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस हैं यानी ए बी सी और डी, ये जो चारों वर्टिसेस हैं ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमारा कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द फोर वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, इसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. Now it's a very important term related to the cyclic coordinator. Theorem क्या है? Prove that opposite angles of a cyclic coordinator are supplementary. हमें प्रूव करना है कि cyclic coordinator के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री. जैसे सपोज हमने एक सर्कल से एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऐसे ले रहे हैं. मान लीजिए ए बी सी और डी, हमने एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाया. तो थ्योरम कहती है कि जिसके अपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे कि हम देखें एंगल ए के अपोजिट है एंगल सी, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे. इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी का जो एंगल सी का जो सम है वो तो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 180 डिग्री. सिमिलरली अगर हम देखें एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है यानी कि एंगल पी प्लस एंगल डी, इनका भी सम कितना होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए. दिस इज अवर थ्योरम की साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में. साइक्लिक जैसे हमने जाना ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करते हैं तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. तो देखिए हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर ओ है, इस पर हमने एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लिया ए बी सी एंड डी, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है.
अब हमें प्रूफ करना है कि ए और सी का सम 180 है, बी और डी का सम 180 है, हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने जो सर्कल का सेंटर है ओ, उसको ए और सी से जोड़ दिया, तो हमें मिला ओ ए और ओ सी। और यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल बन रहा है आर्क ए सी के द्वारा, जो आर्क आपकी ए सी है, इस ए सी के द्वारा सेंटर पे, कैसे, जैसे ए को हमने सेंटर से जोड़ा और सी को भी हमने सेंटर से जोड़ा, तो हमें ये एंगल मिला। तो आर्क ए सी के द्वारा सेंटर से जो एंगल है उसको हमने क्या ले लिया, एक्स, यानी कि माइनर आर्क के द्वारा सेंटर का एंगल है एक्स। फिर हमने ली आर्क सी, ये बड़ी वाली आर्क, मेजर आर्क, इस मेजर आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल है वो हमने ले लिया क्या, वाई। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय वाई। आइए अब इसका प्रूफ करने चलते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज करेंगे कि जो एंगल एट द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर जो होता है वो डबल होता है एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम माइनर आर्क लेते हैं ए सी। इस माइनर आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल है वो है ए ओ सी। ए ओ सी सेंटर का एंगल है और इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे जो एंगल है वो है ए डी सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है। तो एज पर द थ्योरम एंगल ए ओ सी यानी जो एक्स है शुड बी डबल ऑफ एंगल ए डी सी। तो एक्स क्या है, ए डी सी का डबल होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो एंगल ए डी सी है वो एंगल ए ओ सी का हाफ होगा, एक ही बात है। अगर मैं कहूँ ए ओ सी ए डी सी का डबल है, या फिर मैं कहूँ एंगल ए डी सी ए ओ सी का हाफ है, जैसे मैंने लिख दिया एंगल ए ओ सी is double of angle ADC, ये हमारी थ्योरम है। तो इसी थ्योरम का अगर मैं यूज करूँ और इसको थोड़ा सा रिजल्ट को फिर से लिखूँ, तो मैं लिख सकता हूँ जो मैं रिजल्ट दिखा था टू को यहाँ ले गए, तो एंगल ADC क्या है, हाफ ऑफ एंगल AOC है, और एंगल AOC हमने कितना लिया है, x लिया है, यानी हाफ ऑफ x होता है। सिमिलरली अगर हम देखें मेजर आर्क CA, इस CA के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया गया वो है ये y, एंगल ए ओ सी, क्योंकि एक रिफ्लेक्स एंगल है, मोर देन वन इज तो रिफ्लेक्स एंगल है। जो वाई है ये एंगल एट द सेंटर हो गया, और इसी आर्क के द्वारा सेम साइड पे यानी नीचे की तरफ जो एंगल बनाया गया सर्कल पे वो है एंगल ए बी सी। तो हम लिख सकते हैं जो एंगल ए बी सी है, सॉरी एंगल ए ओ सी है रिफ्लेक्स एंगल, हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल जो ए ओ सी है वो क्या है, डबल है इसके एंगल ए बी सी के। ये हमारी थ्योरम थी, देख सकते हैं आप, ये एंगल है, ये सेंटर का एंगल है, और इसी की इसी आर्क मेजर आर्क के द्वारा अदर पार्ट ऑफ सर्कल का एंगल है इसका डबल है। तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं, टू को हम नीचे ले जाएंगे तो एंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी, और रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी को हमने क्या माना है, वाई, तो ये जाएगा हाफ ऑफ वाई। तो हमें ये दो रिजल्ट मिल गए कि एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी क्या है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर देंगे। तो एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी आ गया, ये हमने ऐड कर दिया, राइट साइड में हाफ एक्स प्लस हाफ वाई आया, जिसमें हाफ कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस वाई। अब अगर आप देखेंगे ये एक पॉइंट है और एक्स और वाई इसके चारों तरफ एंगल बना, जैसे ये पॉइंट होता है इसके चारों तरफ जो एंगल बनता है वो हमें पता है कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री होगी, और ये हाफ से कटेगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी यानी अपोजिट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। अगर हम इसी ग्राउंड को प्रूव करें तो हम दिखा सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी का सम भी 180 डिग्री है। या हम इसमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अगर दो एंगल का सम 180 है तो बचे हुए दो एंगल यानी ए और सी इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री का। तो ये हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी का कन्वर्स भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक कोऑर्डिनेटर दे दिया जाए, मान लीजिए मैंने आपको एक कोऑर्डिनेटर दिया ऐसे सिंपल, और आपसे कहा कि इसके अपोजिट एंगल यानी इसका और इसका सम 180 है, सिमिलरली इसका और इसका सम 180 है, यानी अपोजिट एंगल का सम हमारा 180 है क्वाड्रिलेटरल का, तो हम कह सकते हैं
सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि हम एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो इसके चारों वर्टिसेस से पास होके जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम हो गया, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। थैंक यू।